हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। एंड आज मैं फिर से आप लोगों के लिए एक स्लेट पेंसिल की वीडियो लेकर आई हूँ। आज स्लेट पेंसिल की वीडियो में कुछ एक्सपेरिमेंट मैं आपके साथ शेयर करूँगी, तो आप बने रहेगा, वीडियो को देखते रहेगा। और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें मेरे चैनल को, और कॉमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। ये देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने स्लेट पेंसिल लिया है। ये चांद चांद तारा ब्रांड का है। ये देखिए, इसको मैं ओपन कर लेती हूँ। इधर से मैं इसको ओपन कर लेती हूँ। ये देखिए इस तरह से इसमें मैं बाउल में निकाल लेती हूँ सबको। तो ये सारी मैंने निकाल ली हैं स्लेट पेंसिल, और आप देख सकते हैं कितनी क्रंची है ये। ये देखिए, मैं कुछ टूटे हुए पीसेस के साथ आपको कुछ एक्सपेरिमेंट दिखाऊंगी, बिकॉज ये देखिए कितना क्रंची है ये, हाथ से तोड़ने पर भी। देखिए, और बहुत टाइट से टूट रहा है ये, आराम से नहीं टूट रहा है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि ये देखिए टूट भी नहीं पा रहा अच्छे से। तो ये मैं इस ग्लास के अंदर ये सारे डाल देती हूँ, और दो चार ले लेते हैं, क्योंकि अभी हमें बाद में भी ज़रूरत पड़ेगी। ये देखिए, ये सारा मैंने ग्लास के अंदर डाल दिया है, और इसके अंदर मैं, ये बहुत गर्म पानी है तो मैं इसको डाल रही हूँ इसके अंदर, एंड मैंने इसको फिल कर दिया, और इसको मैं अभी आधे घंटे से एक घंटे तक अभी रखूँगी, और फिर वापस आपके पास आके दिखाती हूँ आपको कि कितना ये पानी के अंदर आराम से घुल पाता है। तो मिलते हैं आधे घंटे के बाद। फ्रेंड्स, ये देखिए, मैंने अभी एक घंटा पहले हॉट वाटर, काफ़ी हॉट वाटर था वो, तो उसमें मैंने ये स्लेट पेंसिल बहुत छोटे छोटे पीसों में तोड़ के अभी डाली, आपने देखा। तो अभी हम चौक की कंडीशन देख लेते हैं कि चौक की कंडीशन कैसी है, कितना वो पानी में घुला है। तो देखिए, थोड़ा नीचे बैठ गया है। तो ये देखिए, ये अभी भी इसमें से वैसी ही आवाज आ रही है जैसे पहले आ रही थी। ये देखिए, बिल्कुल टूट नहीं रहा है। देखिए, ऐसा सेम आवाज अभी आ रही थी, तो वही आवाज है। और ये देखिए, पानी बिल्कुल ठंडा हो चुका है एक घंटे के बाद। मैंने बिल्कुल ढक दिया था ये, और काफ़ी हॉट वाटर मैंने लिया था। सेम कंडीशन है चौक की, तो इसमें कोई इम्प्रूवमेंट नहीं है गलने के लिए, सेम कंडीशन है, बहुत ही हार्ड है अभी भी। ये देखिए, अभी भी आवाज़ आ रही है। तो इससे प्रूफ होता है कि ये चौक जो है, अगर हम खा रहे हैं इसको, तो ये हमारे स्टमक में जाकर गल नहीं पाएगा। तो जो भी चौक, स्लेट पेंसिल या कोई भी ऐसी सॉइल या कुछ भी ऐसा खा रहे हैं गाइस, तो वो बिल्कुल भी ना खाएं, क्योंकि ये हमारे स्टमक पे जाकर बिल्कुल भी नहीं गलने वाला है, और ये जाके बिल्कुल सीधा पानी के नीचे जम जाएगा। क्योंकि अभी आपने देखा नीचे, ये पानी के नीचे बिल्कुल टाइट जम गया था, और मैंने इस तरह से निकाला है इसको, तो आप देख सकते हैं बिल्कुल भी पानी में नहीं घुला है। इवन आप इसको ओवरनाइट भी सोक करके रखेंगे तो भी पानी में नहीं घुलेगा। तो गाइज, जो भी स्लेट पेंसिल या चौक खा रहा है, तो वो सब आप इस वीडियो को देखकर सीख सकते हैं कि ये आपके लिए बहुत हार्मफुल है, और इसे आप बिल्कुल भी ना खाएं। गाइज, वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि लोगों को अवेयरनेस हो सके कि ये चौक जो भी खा रहे हैं वो आपके स्टमक पर जाकर
नहीं घुल पाएगा या आपको आपके स्टमक में डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और वीडियो पर कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें।